अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुमरन्स किचन डिलाइट में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए माउंटेन ड्यू आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई। इस आइसक्रीम को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी। तो चलिए फिर आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। माउंटेन ड्यू आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। विप क्रीम मैंने प्रीमियम ट्रोपोलाइट का लिया है, इसे हम केक भी बनाते हैं, केक के लिए यही इस्तेमाल करते हैं ट्रोपोलाइट। इसके बाद अमूल फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, माउंटेन ड्यू और ग्रीन फूड कलर और येलो फूड कलर। एक प्लास्टिक बॉल लिया है, एक मेजरिंग कप, मेरे पास ये 240 ml का मेजरिंग कप है, और हैंड ब्लेंडर। अब यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बॉल में 240 ml व्हिप क्रीम ली है, जिसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से व्हिप करेंगे। पहले स्लो स्पीड पे, फिर स्पीड को बढ़ाते हुए इसे बीट करना है। ये क्रीम 5 से 6 मिनट में बीट हो जाती है। केक के लिए भी हमें इस तरह से ही क्रीम को बीट करना होता है, बट इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल डाला जाता है वो केक के लिए नहीं डाला जाता है। ये देखिए क्रीम हमारी व्हिप हो गई है। इस तरह से सिर्फ केक के लिए क्रीम को व्हिप किया जाता है, आइसक्रीम के लिए इसमें हमें और मटेरियल लगता है, जैसे कि 1/4 कप फ्रेश क्रीम, इसके बाद 1/4 कप मिल्क मेड कंडेंस्ड मिल्क, इस तरह से। अब हमें 240 ml माउंटेन ड्यू ड्रिंक लेनी है, कप भर के पूरा लेना है। अब जो हम आइसक्रीम का बेस तैयार कर रहे हैं उसमें इस ड्रिंक को डालना है। इसके बाद हम इसको अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम कलर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर लिया है, येलो कलर ज़्यादा डालेंगे और ग्रीन कलर थोड़ा कम डालना है। अब इन सभी चीज़ों को ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देखिए हमारे आइसक्रीम का कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। हमारी जो आइसक्रीम बेस तैयार हुई है उसे फ्रीज़र से कंटेनर में भर के फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे के लिए रखना है इसे फ्रीज़र में। अगर आपके पास इस तरह का फ्रीज़र सेफ कंटेनर नहीं है तो आप घर से कोई भी कंटेनर में आइसक्रीम सेट कर सकते हैं, बट उसके लिए अच्छे से एयर टाइट करके इसे सेट करना होता है, नहीं तो इसमें आइस क्रिस्टल हो जाते हैं। 8 घंटे हमारे हो गए हैं, अब आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे मैं सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए आइसक्रीम का टेक्सचर कुछ इस तरह से होता है। इस आइसक्रीम को बनाने का बहुत ही इजी और सिंपल तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह आइसक्रीम जैसे अमूल पार्लर में आइसक्रीम मिलती है उसी तरह से टेस्टी बनती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए आइसक्रीम के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।